तो हेलो गाइस, हमारे मोटो ब्लॉगर फ्रेंड्स के लिए मैं आई लेकर आया हूँ बहुत अच्छा कैमरा लो बजट में, जो कि हमने अमेजोन से ऑर्डर किया था। बस इसका रिव्यू करने के लिए हमने भी इसको निकाल लिया था बाहर पन्नी से फाड़ के, इसलिए अभी नहीं फाड़ना है। तो ये है हमारे पास IZI का वन प्लस एस कैमरा, एक्शन कैमरा। तो देखते हैं इसका रिव्यू कैसा क्या रहता है। वीडियो क्वालिटी भी इसकी थोड़ी, मैंने जो रिव्यू देखा था अच्छी थी। और ये हमें कुछ इस तरीके के गेज में मिलता है, जो बैग है बहुत ही प्यारा बैग है भाई, थोड़ा पास में आइए दिखाते हैं इसको। तो गाइस इसके अंदर से देखते हैं कैसा क्या निकलता है सीन। वाह यार, तो ये है जो हमारा IZI का कैमरा, और ये सब चीज़ें इसके अंदर निकलती हैं, देख सकते हैं आप लोग। इसके अंदर हमें एक कैमरा मिलेगा, उसके साथ एक माइक मिलता है, और ये हमारा हेलमेट माउंट मिलता है एक, और भी काफ़ी चीज़ें हैं एसेसरीज। मैं एक साथ फ़ोटो डाल दूँगा, और ये कुछ इसकी एसेसरीज का और उसके बारे में बताया जाता है। तो काफ़ी सुना था इसके बारे में, कैमरे के बारे में। मेन चीज़ हमारा कैमरा, तो कैमरा देखते हैं निकाल के। ये देखिए आप, बुलबुल का बच्चा देख सकते हो फ्रेंड्स आप। इसमें दो बटने ऊपर दी गई हैं, मोड की, ओके की, दो साइड में ऊपर नीचे करने की, प्लस टच स्क्रीन के साथ आता है, एंड सामने फ्रंट स्क्रीन। अगर आप मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हो या फिर कहीं पर ब्लॉगिंग कर रहे हो आप ट्राइपॉड में लगा के, तो आप देख सकते हो कि वीडियो कैसा शूट हो रहा है। और यहाँ पर आपको तीन आउट मिल जाते हैं, एक में कार्ड लगाने के लिए एचडी कार्ड एंड सी टाइप, एंड ये इसके लिए खुद आता है डाटा केबल लगाने के लिए। तो ये ऑन जो होता है वो मोड से होता है, और इसकी प्रोसेस भी काफ़ी जल्दी है स्टार्ट होने की, पहले आप लोग देख सकते हो। और बाकी इसके वीडियो मैं आपको रिकॉर्ड करके बता दूंगा। हालांकि जो है यहाँ पे आप 30 FPS बहुत सारे मोड मिल जाएंगे आपको, स्लो मोशन, फास्ट मोशन, स्मार्ट टच है, टाइम लेप मिल जाएगा आप लोगों को, काफ़ी सारे इसमें फीचर्स हैं। और जो नाइट मोड है, नाइट में भी इसके वीडियो काफ़ी अच्छे आते हैं, आप लोग देख सकते हो। और इसके वीडियो मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ, जो कि इसके वीडियो है वो मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ, आप वीडियो में देख सकते हो। और जो वॉइस कैंसिलेशन है, थोड़ा सा इफेक्ट आता है उसमें, वो भी आपको मैं दिखाऊँगा जब मोटो ब्लॉगिंग करते हैं। तो उसके लिए भी सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। और एक स्क्रीन गाइस इसके सामने भी आती है, तो साजिद भाई आप स्क्रीन चालू करके बताइए सामने वाली। गाइस इसकी यहाँ पे एक बटन है, ये नीचे वाली, अगर आप इसको दबा के रखोगे थोड़ी देर के लिए तो ऑटोमेटिक सामने वाली स्क्रीन पे शिफ्ट हो जाता है कैमरा। अभी इसका वाईफाई एक सेकंड, अभी इसको अपन ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएगा, ये हम पे सामने शिफ्ट हो गया है। तो ये डबल स्क्रीन के साथ आता है, तो इसमें काफ़ी आपको ईजिली हो जाता है वीडियो बनाने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए। हालांकि मेरे हिसाब से ये बजट कैमरा बहुत शानदार चीज़ है, 9-10 हज़ार रुपये में अगर आपको ये मिल रहा है, क्योंकि हम लोग अगर GoPro वगैरह लेने आएंगे 40-50 हज़ार से ऊपर का आता है वो, और मोटो ब्लॉगिंग अगर सस्ते में करनी है तो 9.5 हज़ार अराउंड पड़ता है ये। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, तो जाके आप परचेस कर सकते हो। ओनली फॉर Amazon पे ही आपको अवेलेबल मिलेगा, और किसी भी वेबसाइट पर नहीं, या फिर IZI की वेबसाइट पर मिलेगा, बाकी कॉपी लेने से अच्छा है ये। तो गाइस अब आगे की जो आप वीडियो देखेंगे, चाहे वो मोटो ब्लॉगिंग हो या फिर नाइट शूट हो, आप लोग इसी कैमरे से देखेंगे, और जो भी होगा रिव्यू आपके सामने होगा। 180 PH पे बनाएंगे हम लोग, 60 APH या फिर 130 PH पे। तो उसके बाद देखते हैं 4K, हालांकि 5K तक देता है ये रिजोल्यूशन, मगर कार्ड सपोर्ट नहीं कर रहा, कहीं ऐसा इफेक्ट इसमें आ सकता है, तो आप लोग वो भी चीज़ हम लोग दिखाएंगे। 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड होता है, या फिर 5K 30 FPS पे, 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा कार्ड का इशू दिखा देता है, जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा थोड़ा सा काम इसमें आगे, जहाँ से हम लोग अगर सेट करते हैं इसको मोड से आगे, ये हम लोग का वीडियो रिकॉर्डिंग पे हो गया, वीडियो सेटअप हो गया, तो यहाँ पर हमारा 4K आ जाएगा, 4K 30 FPS। अब ये हम लोगों ने सेट कर दिया, अब यहाँ पे देखिएगा कार्ड इशू बता रहा है, ये सबसे फास्ट मेमोरी कार्ड डाला है मैंने इसमें, फिर भी ये कार्ड इशू बता रहा है, तो ये आपके साथ भी आ सकता है। इसलिए इसको 5K 30 FPS पे कर सकते हैं आप लोग रिकॉर्ड वीडियो को, या फिर 180 PH पे, बेस्ट क्वालिटी जो है 180 PH पे आ जाती है, तो वो ज़्यादा मेरे हिसाब से सही रहेगा। और बाकी जो भी आपको है इसका फास्ट, एक और चीज़ है कि आप किसी भी डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो फास्ट डाटा ट्रांसफ़र भी लैपटॉप या मोबाइल पर करना चाहे तो। और बाकी इसका एक ये माउंट के साथ माइक भी आता है, सबसे ज़्यादा चीज़ हमारे 500 रुपये इसमें बच जाते हैं, क्योंकि टाइप सी केबल 500-600 रुपये का माइक आता है ऑनलाइन अगर आप मंगाएंगे तो, जो इसके साथ अटैच है। और हाँ, अगर इससे आप मोटो ब्लॉगिंग करते हैं तो नॉइस कैंसिलेशन ऑन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें नॉइस जो आती है तो वो आपका वीडियो पे वॉइस ख़राब कर सकती है। तो इसको भी अटैच करके आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं वीडियो में, तो बने रहना।
यार भाई यार तुम सही कह रहे हो। आपने इसका फाइनल रिव्यू देख लिया होगा, इसका हमने मोटो में लॉगिंग आपको सेटअप दिखा दिया, इसकी वीडियो क्वालिटी एंड के इसकी वॉइस क्वालिटी दोनों आपने इसमें वीडियो में देखी होगी, तो वॉइस क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क है, वो आपको बाहर से परचेस करना ही पड़ेगा इसके लिए माइक, बाकी इस माइक जो फ्री आता है इसका वो इतना अच्छा वर्क नहीं करता। बाकी अगर आप मोटो ब्लॉगिंग के लिए सोच रहे हैं तो 10,000 के अंदर अंदर ये कैमरा बहुत अच्छा है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन प्रेस कर दो और वीडियो को दबा के लाइक मारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी रिव्यू के साथ, और इसको इंस्टॉलेशन भी बता देंगे आपको उसमें कि हेलमेट में आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, वैसे तो आजकल हर किसी को पता है। दूसरी चीज़ इसका माइक का अडैप्टर के साथ, वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा।